हाँ जी दोस्तों, आज का ये जो लेसन है बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेसन है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग सोचते हैं कि उनके स्वर पक्के नहीं हो रहे, उनको स्वर ज्ञान नहीं हो रहा और उनको स्वरों की आवाज़ नहीं पकड़ में आ रही। तो ये रियाज आप लगातार करिए, एक हफ्ता, आपको काफ़ी हद तक स्वरों की समझ आनी शुरू हो जाएगी, आपके दिमाग में स्वरों की आवाज़ बैठ जाएगी, स्वर ज्ञान आपको होना शुरू हो जाएगा। और इस रियाज को करना कैसे, आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, ये वीडियो आपको बहुत फायदा देगा अपने स्वर पक्के करने में। हम यहाँ से क्या करेंगे, टोटल एक सरगम गा के एक एक स्वर को लगाएंगे। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, रे सा रे गा मा पा धा नी सा, गा सा रे गा मा पा धा नी सा, मा सा रे गा मा पा धा नी सा, पा सा रे गा मा पा धा नी सा, धा सा रे गा मा पा धा नी सा, नी सा रे गा मा पा धा नी सा, सा। इस तरीके से आपको स्वरों का रियाज करना है, पूरी सरगम बोल के एक एक स्वर का उच्चारण करना है। जैसे आपने बजाया सारे गा मा पा धा नी सा, देन सा सारे गा मा पा धा नी सा, रे सारे गा मा पा धा नी सा, गा सारे गा मा पा धा नी सा, मा सारे गा मा पा धा नी सा, पा सारे गा मा पा धा नी सा, धा सारे गा मा पा धा नी सा, नी देन सारे गा मा पा धा नी सा, सा। हाँ जी दोस्तों, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया गया है रियाज ऐप की तरफ से। रियाज ऐप एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आपको संगीत की तमाम सारी जानकारी सीखने को मिलती है, आपके राग थाट, आपके फिल्मी गाने, हिंदी गाने, फिल्मी भजन, सब कुछ आपको इस ऐप की मदद से सीखने को मिलेगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए आप अभी इस ऐप को डाउनलोड करें। इस तरीके से ये आपका आरोह हुआ, इसी तरीके से आपको वापस भी आना है तो सेम वही प्रोसेस है। इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज का रियाज करिए, इसको स्लो स्पीड, मीडियम स्पीड और फास्ट स्पीड, बिल्कुल स्लो से शुरू करना है। जैसे आपको बिल्कुल एक कीड़ी की चाल में लेके चलना है इसको शुरुआत में। इस तरीके से पहले हारमोनियम के साथ करिए, जब एक दफा आपको अच्छे से आपके दिमाग में स्वर बैठने शुरू हो जाए तो फिर इसको बिना करिए, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा सा रे गा मा पा धा नी सा, रे सा रे गा मा पा धा नी सा, गा। इस तरीके से फिर बिना हारमोनियम के इस चीज को करिए। आप एक हफ्ता इस एक्सरसाइज को लगातार प्रैक्टिस करके देखिए, बहुत अच्छा स्वर ज्ञान आपको होना शुरू हो जाएगा, बहुत अच्छे से आपको स्वरों की समझ आनी शुरू हो जाएगी, प्लस काफी हद तक आपके दिमाग में ये स्वर बैठने शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से पहले शुद्ध स्वरों का रियाज करिए, बाद में आप कोमल स्वरों का भी रियाज कर सकते हैं। इसी तरीके से वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना है। धन्यवाद।